उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले को 24 घंटे के अंदर सुलझाने का दावा किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। घटना की जानकारी देते हुए डीजीपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और हत्या के तार गुजरात के सूरत से जुड़े हैं। डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुजरात डीआईजी ने कहा कि हिरासत में लिए गए 3 आरोपियों ने गुनाह कबूल भी कर लिया है। शाजापुर के मदनापुर इलाके हुई सड़क दुर्घटना में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के निजी सचिव ब्रजेश तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई है। ब्रजेश कन्नौज से अपने घर बरेली वापस आ रहे थे। देर रात रास्ते में उनकी कार पेट्रोल पंप के पास लकड़ी से लदे ट्रक से टकरा गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ब्रजेश तिवारी को अस्पताल ले गई, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। थाना मदनापुर अंतर्गत जो है रात्रि में एक ट्रक में पीछे से जो है एक कार घुस गई थी, जिसमें से एक व्यक्ति मृत हो गई है। इस संबंध में थाना मदनापुर में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के ग्लास विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि समाज को शिक्षित करने के लिए उन्होंने एएमयू को जमीन दी थी, मगर यूनिवर्सिटी में एक भी शिला लेख या शिला पट्टिका उनके नाम की नहीं है, जो कि गलत है। अलीगढ़ के नगला में एक घर में अचानक आग लगी, जिसकी वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त घर में आग लगी उस वक्त घर में कोई नहीं था। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ललितपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल ने हिंदू नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड के विरोध में जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए बजरंग दल ने हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के बिरधा में एक युवक ने पुलिस प्रताड़ना से जुबद्ध होकर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर आनन फानन में परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित युवक का आरोप है कि उनके खेत में खड़ी फसल को गांव के ही दबंगों ने जानवरों से नष्ट करवा दिया था। मामले की पुलिस से शिकायत के बाद बिरघा चौकी इंचार्ज ने आरोपियों पर कार्रवाई की बजाय पीड़ित को ही रात भर चौकी में बैठा कर रखा था। मथुरा में एक पागल बाबा तिराहा पर ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत टक्कर हो गई। इस हादसे में टेम्पो सवार 10 तीर्थ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत नाजुक होने पर आगरा के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। सभी यात्री पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले बताए गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। पंजाब के मोगा में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सीआईए को एक और सफलता हाथ लगी है। सीआईए ने तस्कर को 800 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की जमीन पाकिस्तान में है, जहां वो मादक पदार्थ छुपा कर रखता था और पाकिस्तान के स्मगलरों के साथ मिलकर उसकी तस्करी किया करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। फिरोजपुर के गांव में आरओ का उद्घाटन करने के लिए खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोडी पहुंचे। यहां उन्होंने उद्घाटन के दौरान कहा कि ग्रामीणों को साफ और शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए आरओ लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मौके पर उन्होंने अलग अलग गांवों से आए लोगों की समस्याएं भी सुनी और कईयों की समस्याओं को मौके पर हल भी किया। अमृतसर के पनसब से गेहूं के 2 ट्रक चोरी करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए युवक तरन तारण के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन युवकों पर पहले से भी कई अपराधों में मामले दर्ज हैं।